हेलो गाइस, मेरा नाम है हरजीत। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज फिर से हम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक और नया वर्ड जो है एब्रोगेट। एब्रोगेट एक वर्ब है और ये एक फॉर्मल वर्ड है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो इसका मतलब होता है किसी एग्रीमेंट, लॉ, कॉन्ट्रैक्ट आदि का ऑफिशियली तौर पर कैंसल होना, खास तौर पर उनके द्वारा रद्द किया जाना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं या जिनके पास पावर है, वो जब इसे रद्द करते हैं ऑफिशियली तौर पर, उसे एब्रोगेट कहते हैं। आइए चलिए इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर वन, ओइंग टू GST सर्विस टैक्स वाज एब्रोगेटेड। GST के कारण सर्विस टैक्स हटा दिया गया था या रद्द कर दिया गया था। अगली एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर टू, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज क्लेम्स दैट नथिंग कैन एब्रोगेट आर्टिकल 35A। जो भारत सरकार है वो हमेशा ही ये क्लेम करती है, ये दावा करती है कि कोई भी चीज आर्टिकल 35A को हटा नहीं सकती। ये जो आर्टिकल 35A है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल पावर दी गई है। जैसे कि कोई और स्टेट का व्यक्ति उनके यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। एग्जाम्पल नंबर थ्री देखिए, स्लेवरी वॉज एब्रोगेटेड इन द US इन द 19th century। जो USA में 19वीं शताब्दी में दास प्रथा को ऑफिशियली तौर पर कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था या अभिनिषिद्ध कर दिया गया था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए। और आपको कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम अगर इंग्लिश में आती हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फेसबुक पेज से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं वीडियो जल्द से जल्द जानने की कोशिश करूँगा।